हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्थाना कुकिंग व्लॉग। और आज अपने व्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं मछली बहुत ही देसी तरीके से, बिल्कुल प्योर वाले गांव के स्टाइल में। तो यहां पे हम अपने दादा के पुराने घर में जो है मिट्टी के चूल्हे पे और उपलों में बना रहे हैं मिट्टी की हांडी में मछली। तो यहां पे हमने मछली जो है देसी तरीके से बनानी है, तो इसलिए हमने कम मसाले लेने हैं। हल्दी, धनिया, मिर्चे, हरी मिर्चे, लहसुन, प्याज और अदरक लेना है। और ये हरा धनिया, इन सब का हमने अदरक का, लहसुन का, हरी मिर्च का, प्याज का हमने बनाना है पीस के पेस्ट। और हरा धनिया लिया एक, इसको हम बारीक चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो मसाले हैं हमारे, नमक वगैरह, बस इतने ही मसाले हमने लेने हैं। यहाँ पे हमने आधी किलो के करीब ली है मछली, इन मछलियों को बोलते हैं चाले मछली हैं। और इनको हमने धुल के कर लिया है अच्छी तरह से, मतलब बढ़िया करके धुल लिया है, वॉश कर लिया है। और यहाँ पे हमने आधी किलो के करीब लिए हैं आलू, और आलू के अंदर हमने अपने सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं। तो तेल इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो हमने दो बड़े बड़े भर के चम्मच इसके अंदर सरसों का तेल डाला है। और अब देसी तरीके से मछली बना रहे हैं मिट्टी की हांडी में, तो सरसों का तेल ही यूज़ करें, कुछ और ना यूज़ करें। अब यहाँ पे हमने चूल्हे में अपनी जला ली आग, और आग जलाने के बाद हमने अपनी हांडी रख दी है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने अपने आलू और मसालों के अंदर जो हमारे मसाले थे, धनिया वगैरह, हमने प्याज का पेस्ट भी अभी इसके अंदर ऐड कर दिया है, धनिया, हल्दी वगैरह और नमक, वो भी हमने ऐड कर दिया है, थोड़ा हरा धनिया डाला है। और वो हम इसके अंदर रख देंगे, पकाएंगे, इसके अंदर बॉयल आने देंगे। पहले जब बॉयल आ जाएगा इसके अंदर, तो हम अपनी मछलियों को ऐड करेंगे। तो फिलहाल हमने इसको पकाना है अच्छी तरह से, ताकि हमारे आलू जो है थोड़े से गल जाएं, क्योंकि मछलियाँ जो होती हैं वो थोड़ी छोटी जो होती हैं वो जल्दी से गल जाती हैं, तो इसलिए हमने मछलियों को बाद में ऐड करना है। तो अब यहाँ पे इस स्टेज पे हम मछलियों को कर देंगे ऊपर से ऐड। देखें, इस तरह से मछलियों को ऐड करना है, तो इनका जो है मछलियों का टूटने का या फिर मतलब थोड़ी ज़्यादा गलने का ख़तरा रहता है, तो इसलिए हमने इनको ऊपर से ही ऐड करना है और हल्का सा चला देना है चम्मच से, देखें इस तरह से। और इनको ढककर पकाना है हमने अच्छी तरह से, आग जला के तेज़ आँच पे। तो ये देखें, हमने ये रख दिए ढककर, और अब हम जलाएंगे मतलब तेज़ आग। और तेज़ आग जलाने के बाद इनको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो मिट्टी की हांडी में मछली जब तक जलकर ना पकें फ्रेंड्स, जब तक मज़ा नहीं आता। ऐसा हमारे घर पे जो लोग खाते हैं, बड़े लोग, वो कहते हैं कि मिट्टी की हांडी में मछली वगैरह या जो भी सालन बने उसको जला लो अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा, तो तब उसका स्वाद जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये देखें, अम्मी ने मछलियाँ जला दी, और यहाँ पर रोटी भी आज इसी पर बनेगी, चावल की। और यहाँ पे हमारी मछली हो गई है बनकर रेडी। तो ये देखें, इनके अंदर से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, बहुत ही मज़े की मछली बनी है, और बहुत ही टेस्टी सी, मतलब बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट सी ये मछली बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल देसी तरीके से। तो मिट्टी की हांडी का अलग ही मज़ा है, और बहुत ही मज़े की बनी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए मछलियों की और बिल्कुल देसी तरीके की, कम मसालों की, तो हमारे चैनल आस्थाना कुकिंग व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, हमें बताएँ कॉमेंट करके। आज के व्लॉग में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।